नमस्कार दोस्तों, जब बात कमेंट्स की आती है तो जिसके जो जी में आती है वो पूछ लेते हैं और पूछना भी चाहिए। और यही मैं अपने कमेंट्स में कहता हूँ, सारे वीडियोज में मैं कमेंट्स के बारे में यही कहता हूँ कि आपके जहन में जो भी सवाल आए ठेकेदारों से संबंधित आप पूछ सकते हैं और उनका उत्तर मैं मेरे अनुभव के द्वारा देता हूँ। जो मैंने देखा है, पाया है, समझा है, सोचा है, देखा है, वो ही बताता हूँ। ये आपके जस्ता है या नहीं जस्ता, ये बात अलग है। और नहीं जस्ता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे ज़रूर बताइएगा कि हमें कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। आज बात आई है कि सर, ठेकेदार का सोने का समय कितना होता है और कब सोते हैं? जी हाँ दोस्तों, नींद लेनी बहुत आवश्यकता है, अति आवश्यक है नींद लेनी। और डॉक्टर्स के हिसाब से कम 6 से 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है। यदि इससे कम कोई आदमी सो रहा है तो ये समझिए अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जितने भी स्वास्थ्य विभाग के लोग बाग हैं वो यही कहते हैं कि कम से कम 6 घंटे सोना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, वयस्क आदमियों के लिए, और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे सोना जरूरी है। अब बात आती है कि ठेकेदार लोग कितना सोते हैं। देखिए सजनों, चाहे वो ठेकेदार हों चाहे कोई व्यवसायिक हों, उनके लिए सोना बहुत जरूरी है मेरी समझ में। क्योंकि जब आदमी 12 घंटे काम करता है, और कुछ लोग तो 16-16 घंटे काम करते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से काम करें, चाहे मानसिक रूप से काम करें, चाहे फिजिकली एक्टिविटीज के द्वारा काम करें, मगर 12 से 16 घंटे आदमी काम करता रहता है, सोचता रहता है दिन भर, वो भी एक काम ही मानता हूँ मैं। और ठेकेदार लोग ज़्यादातर काम अपने हाथ से या फिजिकली काम करते हैं और माइंड से ज़्यादा अपसेट रहते हैं या माइंड से ज़्यादा सोचते समझते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको और ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है। अब बात आती है कि वो कितने घंटे सोते हैं। तो देखिए बंधुओं, ये मामला अपने अपने नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों के सोने का समय, मेरे एक मित्र थे, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, यदि नाम लूँगा तो आप कह देंगे उनको प्रमोट कर रहे हैं, मगर वो बहुत अच्छे आदमी थे, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, आज भी मौजूद हैं वो, और मेरे से ज़्यादा बड़े नहीं, मगर ये कह सकता हूँ कि मेरी 70 की एज है तो उनकी इस समय करीब 78 की एज होगी, मेरे से 8 साल बड़े थे वो। हम दोनों एक साथ टेंडर देने के लिए एक रूम में रहने का संयोग बैठ गया। टेंडर देने दोनों ही गए थे एक ही होटल में, दोनों एक साथ लगभग एक साथ 2-5 मिनट के आगे पीछे पहुंचे, तो उन्होंने कहा शर्मा जी, आज मैं आपके साथ रात बिताना चाहता हूं, कहिए आपका क्या ख्याल है। तो मैंने कहा महेश्वरी जी, आपके साथ रात बिताने में मुझे और ज़्यादा आनंद आएगा, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई की तरह से हैं, तो कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, मैं मोस्टली अकेले ही रूम लेके सोना चाहता हूँ, मगर आज आपके साथ रहूँगा तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा चलिए, मैं बड़ा होने के नाते रूम मैं बुक करवाता हूँ, आप रूम नहीं बुक करवाएं। और वैसा ही हुआ, महेश्वरी जी के आदेश को मैं कैसे टाल सकता था। और हम रात को जब एक रूम में रहे तो ये करीब 9:30 के आसपास की बात है, रात्रि के 9:30 बजे थे, और हमने रूम बुक करके अटैचियाँ हमारी दोनों की रूम के अंदर रख दी, और खाना खाने के लिए नीचे होटल बने हुए थे उनमें भोजन के लिए गए, तो उनका भी भोजन करने का वही तरीका था जो मेरा था, तो थाली की व्यवस्था थी, वहाँ देसी भोजन मिलता था, हमने दोनों ने आराम से भोजन किया। और भोजन करके आने के बाद में महेश्वरी जी लगभग 15 मिनट का टाइम लिया होगा उन्होंने, और आप ताज्जुब करेंगे वो 15 मिनट बाद में सो गए, नींद आ गई। और नींद आने के बाद में मैं, अब मेरे को नींद लेट आती है, मैं 11 बजे के आसपास होता हूँ, लगभग 11 तो बज ही जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझे नींद नहीं आई। अब आप समझिए 10:15 बजे जो आदमी सो गया तो मेरे को पौन घंटा निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। मैं यदि थोड़ा श्वास भी तेज लेता हूँ तो मैं सोचता हूँ महेश्वरी जी जग जाएंगे, और ऐसी स्थिति में महेश्वरी जी खर्राटे लेके आराम से सो रहे थे,
और वो 4 बजे के आसपास उठ गए। अब बंधु मेरी हालत यह है कि मैं लेट उठता हूँ, ये सबसे बड़ी कमी है मेरे जीवन की, आपके सामने बता रहा हूँ कि मैं लेट उठता हूँ। लेट का मतलब 6 के बाद ही उठता हूँ, सुबह 6 बजे अथवा 7 बजे के बीच में उठता हूँ मैं, और सर्दियों में थोड़ा और लेट हो सकता हूँ, 7:15 7:30 भी बज जाते हैं, मगर 6 से 7 के बीच में उठ जाता हूँ। तो अब वो 4 बजे उठ गए, और 4 बजे उठ के खटर पटर वो आप जानते हैं, जब आदमी खड़ा हो तो उठ जाता है तो थोड़ी आवाज़ कुछ न कुछ संदेश तो मिल ही जाता है। तो मेरे को कहा शर्मा जी नींद नहीं आ रही क्या, मैंने कहा आएगी कहाँ से, आप जल्दी सो जाते हो जल्दी उठ जाते हो, कहा मेरा तो ये रूटीन है आपको पता नहीं था क्या, मैंने कहा मेरे को तो पता नहीं था, तो मैंने तो आपके साथ में आज इसलिए रुका था कि आपसे रात को गप्पे मारेंगे, पूछेंगे कुछ अपने अनुभव आपके साथ शेयर करूँगा, आपसे कुछ अनुभव लूँगा, और आप तो सो गए। तो बोले मेरी तो ये आदत है, अब सुबह 4 बजे वो मॉर्निंग वॉक को निकल गए और मैं अंदर से लॉक करके सो गया कुंडी लगा के। अब वो 6 बजे आए, 6 बजे आते ही फिर घंटी, क्या बात है कि मैं तो घूम के आ गया, आप अभी तक तो उठे ही नहीं, मैंने कहा नहीं उठा। और वो अब ये अलग अलग आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आदमी कितने बजे सोता है और कितने बजे उठता है। वैसे रूटीन ये रहता है ज़्यादातर ठेकेदारों का, जो बहुत ही अच्छे ठेकेदार होते हैं उनके बारे में, क्योंकि मेरे मोस्टली जो दोस्त हैं जिन ठेकेदारों के साथ में मैंने काम किया है, ज़्यादातर काम तो खैर अच्छे और बुरे दोनों के साथ करना पड़ता है, मगर जिनके संपर्क में मैं रहा हूँ उनका ही देखा है कि 10 से 11 के बीच वह हर हालत में सो जाते हैं और सुबह 4 से 6 के बीच में उठ जाते हैं। ये मोस्टली अपने अपने सिद्धांत के ऊपर है, कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग घूमने जाते हैं मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, और कुछ लोग और कई तरह के मेडिटेशन के सहारा लेते हैं, कुछ आध्यात्मिक लोग होते हैं वो पूजा पाठ माला वगैरह का काम करते हैं, ऐसे कर करा के उस 6 बजे के अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के व्यवसाय में 6 बजे से ही शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग 7 बजे अपना साइट पर जाने के सोचते हैं और कुछ लोग 8 बजा देते हैं। हाँ 2-4-5% ठेकेदार ऐसे होते हैं जो सुबह 9 बजे तक सोए रहते हैं और फिर 11 बजे तक साइट पहुंचते हैं, और उनका रूटीन कुछ अलग होता है। मैं उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा, मगर मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा आप लोगों को, यदि आपको कोई अच्छा ठेकेदार बनना है या अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो आपको ज़्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। हमारे पिताजी कहा करते थे बेटे सूर्योदय के बाद में सोना अच्छी बात नहीं है, सूर्य जब उगता है तो ये कहता है कि चलो मैं आ गया हूँ अब आपको जगाने के लिए। और मेरे पिताजी कहा करते थे कि सूर्य को जगाने, सूर्य आपको नहीं जगाए, आप सूर्य जगने का इंतज़ार करें, जब आप सूर्य सूर्योदय होवे उस समय आप एकदम तैयार रहें, सूर्य को नमस्कार कीजिए, उगते हुए सूर्य को देखना अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया है, और उगते हुए सूर्य के सामने आँख से आँख मिलाकर, यानी सूरज की किरणें हैं वो उस समय, यदि 5 मिनट भी आप अपनी आँखों के सामने नज़र से सूरज से नज़र मिला लेते हैं तो कहते हैं आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैंने ज़्यादा नहीं प्रैक्टिकली देखा है, और इन सालों में जब मेरी आई साइट वीक हो गई, आदमी देखिए किसी की बात तब मानता है जब उसमें कहीं कोई कमजोरी आ जाती है, पहले इन बातों को मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, मगर अब उम्र का तकाजा मुझे भी सिखा रहा है कि कुछ न कुछ नया सीखो, और हमारे पिताजी कहा करते थे उस बात को मैंने प्रैक्टिकली पिछले 10 साल से कर रहा हूँ और काफ़ी सहारा है। आज भी मेरे चश्मे का नंबर है वो यथावत है, जैसा आज से 10 साल पहले था, मामूली थोड़ा हेर फेर होता है मगर ठीक रहता है। उसका कारण यही है कि मैं सुबह उठते ही पहली नमस्कार सूर्य को करता हूँ और सूर्य के सामने अपनी आँखें से आँख मिला करके कम से कम 5 मिनट में खड़ा होता हूँ, और मुझे मेरी आँखों को पूरे दिन की रोशनी मिल जाती है, मेरी आँखों की बैटरी कह सकता हूँ या आँख है वो चार्ज हो जाती हैं। आप भी यदि ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा, आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। यदि अच्छा लगा है तो मेरी चैनल एहसान शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब पर जाइए, सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का अपने से ज़्यादा रखिए, और दादाजी दादी जी यदि सौभाग्य से आपको मिल रहे हैं अभी तक तो मैं कहूँगा
पूरी सेवा करने की कोशिश कीजिए उनकी। मुझे तो मेरे दादी जी का इतना आशीर्वाद मिला कि मैं जब ठेकेदारी शुरू की उस समय मेरे दादी जी मौजूद थी और उन्होंने ये कहा था, बेटे तेरी ठेकेदारी चलेगी ही नहीं, दौड़ेगी। नमस्कार।